हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन टेक्स से पाथ ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, RSMSB जैन में जिनका भी सिलेक्शन हुआ उनको हार्दिक बधाई है, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेसन। तो सबसे पहले बात करते हैं आप DV में क्या क्या चाहिए, आपको किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं, क्योंकि एक बार DV में आउट हो गए तो फिर आपके चांस बिगड़ सकते हैं, क्योंकि दोगुने चोरों को बुलाए जा रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं दोगुनों को बुलाया जा रहा है। तो आप लोग कृपया ध्यान रखें, DV से पहले पहले ये डॉक्यूमेंट्स ज़रूर तैयार कराएं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाके आप मुझे बताएंगे आपको अगर और कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ चैनल पे मुझे बता सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं पर्सनली आपसे कांटेक्ट करूँगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि DV में क्या क्या चाहिए। फिर अगर कई बार क्या होता है, जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें परसेंटेज में ना नेम वेम में थोड़ा बहुत कहीं भी अगर मिस्टेक हो गया आपके पॉइंटों में, परसेंटेज में, एक्स वाई जेड जो भी प्रॉब्लम हुई है, तो उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा किस तरीके से सॉल्यूशन करना है एप्लीकेशन फॉरम में, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको। देखो, आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको रेडी कर लीजिए, ठीक है, उनकी जेरोस कॉपी करवा लीजिए, ठीक है, दो दो या तीन तीन। सबसे पहले बात करता हूँ जो कि आपके पहले 10th और 10th का सर्टिफिकेट। अब क्या होता है, 10th पहले क्या होता था, आज से 5 साल पहले 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक जगह ही आते थे, नहीं अलग अलग आते थे, लेकिन अब एक ही आने लग गया। जो भी आपके पास है सब कुछ ले जाना, अगर अलग अलग है तो अलग अलग, एक है तो एक। 10th 12th, अगर आपने 12th नहीं किया और आपके पास अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की ले जानी है, ठीक है, ठीक है, सब डिप्लोमा की ले जानी है, ठीक है, डिप्लोमा की और फाइनल जो आपका डिप्लोमा आता है वो, और डिप्लोमा की पूरी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज ले जानी है, ठीक है। और आपके पास देखो होता क्या, एक मेरे पास कमेंट भी आया है, नेक्स्ट इसमें ग्रेजुएशन, अगर आपने ग्रेजुएशन करके डिग्री से अगर आपने लगाया तो ग्रेजुएशन वाली भी ले जानी है। और एक मेन बात ये आ रही है, एक भाई का देखो बहुत दिनों से परेशान थे, मैंने भी काफ़ी आपको पहले भी कमेंट कर दिया था अहमद भाई, लेकिन आई होप आपके पास ये पहुंचा नहीं होगा, मैंने अभी चेक किया, तुम अभी आप बहुत ज़्यादा परेशान है कि इनका सिलेक्शन हो गया है, किससे हुआ है, डिप्लोमा से। तो सबसे पहले आपको बधाई, ठीक है। तो इसमें उनको प्रॉब्लम क्या आ रही है, जो डिटेल फॉर्म मांगते हैं उनमें ये पूछ रहे कि हायर क्वालिफिकेशन में मैं क्या करूं। तो देखो, इसमें फॉर्म भरते वक्त आपके कोई इशू नहीं है, क्वालिफिकेशन में आपने जो फॉर्म फिल किया उसमें डिप्लोमा कर रखा है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उससे हायर क्वालिफिकेशन भी हो सकती है आदमी पास, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप डिप्लोमा करो या बीटेक करो, ठीक है, अगर उसमें हायर क्वालिफिकेशन आप देते हो तो सही है, प्रॉब्लम का है, डिप्लोमा तो आपने कर ही रखा है तो वो कोई इशू नहीं आएगा, इन बातों में थोड़ा बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है उसके बाद बीटेक कर ली तो आप बीटेक का भी लगा दो, ठीक है, दोनों को लगा दो, डिप्लोमा और बीटेक का दोनों क्वालिफिकेशन डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसे, केवल डिप्लोमा फिल करने की ज़रूरत नहीं है, बीटेक आप दोनों मेंशन करो, हायर क्वालिफिकेशन आप मेंशन कर सकते हैं, इट डजंट मैटर, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आपको अगर आती है तो मैं जो लास्ट टाइम जो हुआ था जेएन में सिलेक्शन उनसे बात करवा दूंगा, अगर आपको और भी प्रॉब्लम आ रही है, मैंने उनसे ही कंसल्ट किया, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकते हैं, ठीक है। ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन तक की डिग्री सब कुछ लगा दें, और भी कोई आपके पास डिग्री है तो आप वो भी ही लगा सकते हैं, इसमें यही मतलब होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है लगा दीजिए। अब 4 नंबर पे RSIT अपने को चाहिए नहीं, ये कहीं जरूरत नहीं, मूल निवास प्रमाण पत्र की आप राजस्थान के हैं तभी आपको रिजर्वेशन मिलेगा, और कोई भी जाति प्रमाण पत्र है वो भी बनवा लेना, 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, वो है एक बार दोबारा से और बनवा लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत वाली नहीं है, अदरवाइज आपको वहाँ जनरल में काउंट कर लिया जाएगा, फिर पीछे रह जाओगे, ठीक है। अंतिम शैक्षणिक संस्थान का कोई भी चरित्र जहाँ से आप पास आउट हुए, ठीक है, अब डिप्लोमा कब किया था वहाँ का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, लास्ट टाइम कहाँ से आपने कुछ डिग्री विग्री की थी वो सर्टिफिकेट आपको चाहिए। पहचान पत्र में आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ठीक है। आय प्रमाण पत्र उनको चाहिए जिन्होंने इनकम 2 लाख से कम की, उनका ले जाना नेसेसरी है, इस बात का ध्यान रखना, जिसने भी उसमें क्योंकि फीस रिलैक्सेशन मिलता है तो उसके चक्कर में आपने अगर 2 लाख से कम किया तो ये आपको ले जाना ही पड़ेगा। और विवाह प्रमाण पत्र यदि आप विवाहित है तो ये ले जाना पड़ेगा, अगर आप डाइवोर्स है किसी विधवा है या फिर उनका भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा कि अभी तक मैंने वापस कोई शादी नहीं की, अगर आप भूतपूर्व सैनिक है तो उनका पूरा सर्टिफिकेट आपको ले जाना चाहिए, आप किसी मतलब खिलाड़ी की सीट से हुए हो, स्पोर्ट्स कोटे से हुए हो तो वो भी आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। तो दोस्तों, ये सारी डिटेल मैंने बता दी है, अगर अब भी आपकी कोई भी डाउट है XYZ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बता देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा वहाँ पर बता देना,
क्योंकि भाई मैंने सबकी बता दिया है किस तरीके से क्या क्या ले जाना है, और कोई डाउट हो तो बता देना, वो क्लियर कर लेंगे अपन। मैं पर्सनली आपसे कॉन्टेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों आई होप वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।